सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमस्तुते।
अंतर्युक्ताभिमानस्य ब्रह्मा निरुपधानिनी कौशाम्बः शरिके देवे नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरकुक्कुरभृते महाशक्ति धरे मृगे कौमारीरूपसन्ताने नारायणि नमस्तुते शङ्खचक्र गदाशारद्रिहित परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमस्तुते गृहीत गमाचक्र दशाधिशभसुन्धरे वराहरूपिणि शिव नारायणि नमस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्याङ्गिताध्यमे त्रैलोक्यप्राणसहिते नारायणि नमस्तुते गिरीग्रहे महावज्र सहस्रनयनज्वले वेत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले द्वाररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दशाकरालवदने शिरोभाराभिभूषणे चामुण्डमुण्डवदने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्ज महाविद्य शब्द पुष्टि सुरध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायणि नमस्तुते मेरे सरस्वती वर भूते भ्रवितामसे नियत त्वं रसिदेश नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायि नो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते एतत्ते वरणं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभिर्दिव्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भेद भद्रकाले नमस्तुते हिगासि दक्षतेजासि स्वरेणापूरयाजर साघण्टा पातु नो देवे पाव्यभ्यो नः सुतानिव असुरा सर्वसा पङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगाणशेषा नमः दुष्टा दृष्टा दुःखावान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रिताराम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति कृतं यात् कदरां द्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेणैकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाभिकेता प्रकरोऽधिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु सका त्वदन्या मम त्वकरते द्विमहान्धकार विभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्र ग्रविशाश्च नाग यत्र योगस्वरानि यत्र आवानलो यत्रधिमध्ये तत्र स्थिता त्वा परिपास्य विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपास्य विश्वम् विश्वात्मिका धारयसे विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिर
सेन परिपालयनाय भेत नित्या यथा सुरवधा करुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाश उत्पादपाकजनिता च महावसर्गान् कर्तानां प्रसीदतां देवे विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेन लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वर्णाहं सुरगणा परं जन्मनश्चथ तं विरुद्धं प्रयच्छामि जनतामवकारकम् देवाः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनम् देव्यो वाच देवस्यन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे सोमान् सोमवाच्यमानमुत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपागृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तदस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यमनिष्यामि मे प्रदीप्ता सुगाढवान् वक्ष्यन्ता च तानुग्रा मे प्रदीप्तान् महासुरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ते दारुणे कुसुमोपमाः तमो मा देवता स्वर्गभक्तलोके च माधवाः सुमन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनाभिष्टा मनं भजे भूमि संसुता भौमा सम्भविष्यामि जानिजा नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मणे वेतरिष्यन्ति मनुजः शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमर्थदेह समद्भवे परिष्यामि सुराशाकैरामिष्टे प्राणधारकैः शादं परिविख्यातं तदा यास्यामहं भुवि कर्त्रेणेष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मनाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीम रूपं गत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनिनामदारकारणात् तदा मा मुनिः सर्वे सोषं ध्यानं रमोदयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मनाम भविष्यति यदारुणाख्य त्रैलोके महाभादं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्कैषट्पदं त्रैलोक्यस्यैतासाय भरिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च महालोकासुरा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा भादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावधीर्याहं करिष्यामि संक्षया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्धावसवा प्रभा मृगपते स्कन्दासिताम्भेषा
हस्ते चक्रगदाधिकेरभिषिकाश च पाङ्गुरवदने विभ्राणामनलात्मिका शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्यो वाच देवि सवे च मान्यतां दोषतया समाहितः कस्यां गलावादां नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनम् एतयिष्यन्ति एतद्वरबलं शुम्बन् शुम्भयाः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां जय गजेतसः शोषन्ति च वय भक्त्या भव महत्त्वमत्तमम् आदेशां दुष्किलं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानकापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेशविराजनम् शत्रुवानां वयं प्रस्यादस्यतो वानराजतः न शस्त्राणतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामवेदन्माहात्यं पठितव्यं समाहितैः श्रौरभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनहितान् उपसर्गानशेषासो महामारे समुद्भवान् कदा त्रिविधमुक्तादमाहात्म्यं शमयेन् मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नादद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् वरिप्रदाने पूजायामग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि भरि पूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठिष्यामहवृत्या वह्निहोमं तथा कृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी कस्यान्वमेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभागाभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुलाभितः मनुष्योमप्रसारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् निर्महासंशयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दनेन कुलं पुंसा महाज्ञामम शर्मताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने ग्रहपीडासु शोग्रासो महात्म्यं श्रूयान् मम उपसर्गाशमं ज्ञाते ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च वेदृष्ण सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् अलङ्कारे जनेरा मैत्रे कर्णमत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानेकरं परम् रक्षोभूतविषाणां पठना देवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पागधूपे च गन्धदीपे सरोत्तमैः विप्राणाभोजने होमे प्रोक्षणीयर्हर्निशम् अन्येषापि विदेवोके प्रदाने वत्सरेणया प्रीतिर्ने क्रियते सास्य सक्रे सोचयतेषुते शुभं हरति पापादे तदारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां केतनां मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदत्यानिवर्हणम् अस्मेषु वैलिखितं भयं पुंसां न जायते युष्माभिश्च ब्रह्मश्रीकृताः ब्रह्मणा च किलातो प्रयच्छन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्ने परिवारितः दशविदाविदाशुने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याचार्यातो वापने वापनहस्तिभिः
नमो नमः अंकं चं तं तं पं
Yang Sham Ming Dong Ervin Han Chang Dhiragram Dhiragram Trotaya Trotaya Dittang Guru Guru Swaha Om Bimbo Parvate Puram Kanghi Kum Kejari Tadam Sanghi Sum Sapta Jati Devya Manta Siddhem Karashame Hiram Do Manjika Satram Manta Yagati Hetabhen Abhakte Deva Dadabhyam Dobhidam Raksha Parvati Yastu Kunjikaya Devi Hinam Sapta Shatim Padet Natasya Jayate Siddhi Parande Rodhanam Yata श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री दुर्गा आपदोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवेशानकम्पे नमस्ते जगद्व्यापि देवेश्वरूपे नमस्ते Devi Durge Shiva Bhimana
दात्र स्वरूप विभूत सदा काल रात्र स्वरूप नमस्ते जगत्तार नेत्राय दुर्गे शरणमसि Shalom, 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 Shal
पास क्षमा प्रार्थना अपराध ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्ममय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता
जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता इससे प्रार्थना। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रा ही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। ये तत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पातुना सर्वभीतिभ्या कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी माँ, यह तीन लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। ज्वारा कराल मत्युग्गम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पादनो भीतिर भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली माँ, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुर का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। हिनस्ति दैत्य तेजांसी सेना पुरुषारगत सा घंटा पातनो देवी पापे सुतारो। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण रथ को व्याप्त करके दैत्य को तेज नष्ट किए देता है, तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरासे वसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वामनतावयम। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करे। हम सभी भक्तियान भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं राजा महाराजाओं पर, देवताओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है अथवा उनकी कोई मनोकामना पूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। आप जानते हैं कि राजा परीक्षित जी ने जब द्वापर तथा कलिकाल की संधि में सोने का मुकुट पहनने पर बुद्धि भ्रमित होने पर मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था, उसी समय उनके पुत्र ने श्राप दिया था कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसकी 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए। और राजा परीक्षित जी ये जानते हुए कि 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कथा का श्रवण किया, परंतु फिर भी उनके पुत्र उनके स्वर्ग सुधारने के बाद दुखी रहते थे, जिसको देख करके व्यास जी ने पूछा कि राजा जनमेजय, आप शोकग्रस्त क्यों रहते हैं? मैं जानता हूं कि आपके पिताजी को सर्वगति प्राप्त नहीं हुई है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आप दुखी रहते हैं और इसके लिए मैं युक्ति बता रहा हूं कि इसके लिए आप अम्बा यज्ञ करो, उसमें ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् देवीवाद का पाठ भी कराओ, इससे आपके पिताजी को सर्वगति प्राप्त होगी। तब राजा जनमेजय जी ने व्यास जी से माया बीज की दीक्षा ग्रहण की और उनके कथनानुसार उन्होंने शुभ मुहूर्त आने पर अम्बा यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने ब्राह्मण द्वारा श्रीमद् देवीवाद कथा का वो पाठ भी कराया और धन की कृपणता ना करते हुए उन्होंने दिल खोल करके दीनों को, दुखियों को, सुहासिनी स्त्रियों को, ब्रह्मचारियों को, कन्याओं को, सुहागनों को धन बांटा, उनकी इच्छा अनुसार उनको वस्त्र आभूषण दिए और ऐसा करके जब भी वो अपने आसन पर आरूढ़ हो रहे थे तभी उन्होंने देखा कि अपनी महती नामक वीणा द्वारा गायन करते हुए नारद जी, जिनका जो तेज अद्भुत था, वो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे, उनको देख करके आश्चर्यचकित होकर राजा खड़े हो गए और उनका उन्होंने आसन त्यागे उपचारों से आदर सम्मान किया और पूछा कि महाराज, आपका किस कारण जहाँ आना हुआ है? आपके आने से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, सनात हो गया हूँ, मेरे योग्य जो सेवा उसे बताओ। उस समय नारद जी कह रहे हैं कि राजन, मैंने देवलोक में आज एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। मैंने देखा है कि आपके पिताजी दिव्य विमान में बैठे हुए थे और अप्सराएं तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे और उस दिव्य विमान पर बैठकर वो माता जी की परम धाम मणिपुर को जा रहे थे।
निश्चय रूप से आपने जो अंबा यज्ञ किया है, श्रीमद देवीवाद कथा का श्रवण किया है, इसके प्रभाव से आपके पिताजी को सदगति प्राप्त हुई है, स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, माता जी का परम धाम मणिपुर जो है प्राप्त हुआ है, और आपने नरक से आपने पिताजी का उद्धार कर दिया है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पुंग नाम नरकाय तारते सा पुत्रा, पुंग नाम का नरक है, उससे जो पिताजी का उद्धार करता है उसी को पुत्र की सार्थकता प्राप्त होती है, अतः आपका पुत्र होना सार्थक हो गया। उस समय प्रसन्न मन से राजा जनेर जी उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, सनाथ हो गया हूँ, और मैं आपको प्रणाम के सिवा क्या दे सकता हूँ। उस समय व्यास जी ने अपने आशीर्वचनों से राजा से कहा कि राजन आगे आने वाले समय में भी आप अंबा यज्ञ करें और श्रीमद देवीवाद कथा का श्रवण करें, इससे अनायास ही आप संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये श्रीमद देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की भी जो बराबरी नहीं कर सकते, समता नहीं कर सकते, इसमें स्वयं मूल प्रकृति का प्रतिपादन हुआ है, उसके समान दूसरा पुराण कौन होगा। इसलिए जिसमें वेदों का सार है उसको भक्ति पूर्वक मुनियों को, ब्राह्मणों को, राजाओं को श्रवण करना चाहिए, ऐसा कह करके व्यास जी अपने जो धाम में चले गए, और राजा ने आगे आने समय में श्रीमद देवीवाद कथा का श्रवण तथा अंबा यज्ञ करना प्रारंभ किया, जिससे वो संसार बंधन से मुक्त हो गए और पिताजी को मुक्ति प्राप्त होगी। आप से सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपा के तीन स्वरूप, और उनके चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं, इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और सातवें महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान, और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कालिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों के मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन रहे माता जी प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा खोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुबन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरावली जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। मैया तोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, मैया तोर हथों
ਅੱਜ ਮੱਲਿਆ ਬੁਹਾਇਆਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੱਲਿਆ ਬੁਹਾਇਆਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੱਲਿਆ ਬੁਹਾਇਆਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਦਨ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਦਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਈਆ ਡੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਿਰਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਮੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਦੰਬੇ ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ 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 ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤਮਾਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤਮਾਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋ
कमर गुना हो पर कभी तो हमने बांधन कमर गुना हो पर बारी जती है माँ पापी और गुमराह हो पर रीझती मैं माँ पापी और गुमराह कभी तो हमने बांधन कमर गुना हो पर कभी तो हमने बांधन कमर गुना हो पर हाँ नाम चाहे बदनाम हमारा हो जाए शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी शुभ कर्मों से मिला है ये जो जीवन भी ओ ये सब कुछ नीलाम हमारा हो जाए 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 ओ एक बार बस एक बार बस एक बार Thank you.
नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं, नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं, नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं। तेरा शुक्रिया है तेरा
वक्त्रारविन्दस्य
देवी मध्यमांचुरत मुकुटा बंदेरविंद स्थिता सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवा समिन्धतान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ जज्ञे घृतेन तं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जरमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु नित्यानामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भवपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय भैया जय Oh,
पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो, जय माता दी। जल मिले बोलो, जय माता दी। आहे वेला, जय माता दी। संध्या वेला, जय माता दी। दरबार की जय।
अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही जयं देही, रूपं देही जयं देही, यशो देही दिशो रहि, यशो देही दिशो रहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्रियारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीये राज गणे, तृतीये सिमरन शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं याद कर सो धन गणे, जो जन्म लो ध्यान जय मां।
खड़गम चचलेशु चापरिणा कूलम्ब शुण्डिं शिरा शङ्खं सन्धदतिं करचिकर्ण सर्वाङ्गभूषावृता नीलाशादुर्मासपाददशका सेवे महाकालिका व्यामस्तौ त्वभिदेहलोकमलजौ हन्तं मधुकेकवम् अच सर्वशृङ्गदेशु पुरुषम् परमं धनुष्कुण्डिका खण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजम् घण्टा सुराभाजनम् चूलं वाचु सुदर्शने चलति हस्ते प्रसन्नाननां देवे सेवर्गणि महिमा लक्ष्मीं सरोजस्थिता घण्टा शूलहलानि शङ्खं सुरे चक्रं मनोसायकम् अस्ता वेदेवनान्त विरसा शीताशुतुल्यं प्रभा गौरी देवसमुद्भवान् विरसा आधारभूता महा पूर्वा मन्त्रसरस्वती मनुभजे शुम्भाविजग्राजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दशका त्वमेव त्वमेव विद्या सविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासात् गगनसदृशं वेदवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं कृष्णं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकां जानकीनायकं चिदानन्दं भजे हरे मुरारे मधुरे द्वारे गोविन्द गोपाल मगन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचकुला रानी माता तेरी सदा सर्वत्रा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा लोंगड़ा भी राघो तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर हर महादेव बाबा श्री धर्म की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय शेरावालीदा बोलो आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी।